नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे राजनीति के उन चर्चों की जहां हर गलियारों में मनुष्य अपनी बात को रखता है, लेकिन जब बात उठता है कि अनचाहे में भी अगर कोई बात अगर कही गई हो और उसको तोड़ मतोड़ कर राजनीति बयानों के माध्यम से लोगों के बीच में रखा जाता है, तो मुझे लगता है राजनीति का स्तर गिरता है। ऐसी स्थिति में आज हमारे साथ में हैं पूर्व माननीय मंत्री जलेश्वर महतो जी। सबसे पहले तो उनका हम लोग अपने चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कैसे हैं? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। राहुल जी यात्रा में लगे हुए जी। अभी देश को इसकी आवश्यकता है। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी तो खत्म हो गया, और दूसरा है समाज में एक तनाव का वातावरण है पूरे देश में। ऐसे हालत में कांग्रेसियों का दायित्व बन रहा है कि गांव गली तक जाकर जन जागरण अभियान चलाकर और लोगों को ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ऊपर से नीचे तक सब के सब झूठे हैं, सब लोग जनता को ठगने का काम किए हैं। मोदी जी बोले थे 15-15 लाख एक एक व्यक्ति को देंगे, मतलब इसको भी आप लग रहा है कह रहे हैं कि एक बयान के तहत क्या? नहीं नहीं बयान नहीं है, ये प्रधानमंत्री का घोषणा है दादा। कल तो आप भी इसी के साथी में रहे। हम साथी थे, वो इशू अपने जगह पर है, लेकिन मैंने ऐसा कभी झूठा बयान दिया नहीं। कांग्रेस के समय में कोई महंगाई नहीं रही दादा? बिल्कुल इस तरह की नहीं। अब कांग्रेस के समय का आप उदाहरण दे रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 55 रुपया का पेट्रोल था, आज 100 रुपया का है। 425 रुपया का सिलेंडर था, आज 1150 का है। सरसों का तेल 60 रुपया का था, 200 रुपया में है। उसी तरह से ग्रेजुअली खाने का जो सामान है उसमें भी GST लग गया है। मैं एयरपोर्ट में नाश्ता कर रहा था तो 18-36% का GST काट लिया। हमारी बात जब आपने छेड़ा यह बात कि आपके कार्यकाल में महंगाई, इतनी महंगाई नहीं थी। किसानों पर बेरहमी से लाठी चार्ज नहीं हो रहा था, मजदूरों को धक्का खाना नहीं पड़ रहा था, मजदूर ऐसा कह रहे हैं दादा कि उस समय बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। इससे तो बहुत अच्छा था भारत। नहीं नहीं दादा, उस समय बिल्कुल ठीक था या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल से बहुत बेहतर था, ये आम जनता महसूस कर रही है। अभी इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि राहुल के साथ में लाखों लोग पद यात्रा में घूम रहे हैं। महंगाई कम हो जाएगी दादा? निश्चित होगा। कांग्रेस की हुकूमत आएगी, भारतीय जनता पार्टी का विदा होगा 24 में, और फिर से उसी जगह पर आएगा और आम जनता को राहत मिलेगा। दादा जनता को धनबाद जिला में राहत कब मिलेगा? ये तो बमों से थर्रा रहा है। धनबाद जिला का फिर बात छेड़े तो फिर उसी तरह से हम बोलेंगे। धनबाद जिला के जितने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता हैं और जो भी सांसद हैं जिनका भी भारतीय जनता पार्टी से लगाव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या कारण था कि धनबाद का एयरपोर्ट चला गया देवघर? दादा बमों से थर्राया क्यों धनबाद? मेरा ये बताइए, हमारी बात पहले सुन लीजिए। धनबाद का बात जब उठा, एयरपोर्ट की बात नहीं दादा, ये तो अभी धनबाद की बात नहीं, ये कहना पड़ेगा, जनहित का मामला है। 50,000 लोगों से रोजगार मिलता, एम्स चला गया, गरीब लोगों का इलाज होता। आप कैसे बात कर रहे हैं? अब तब बात करिएगा, आप जनता की बात करिए। इसके लिए तो सांसद दोषी है। सांसद दोषी नहीं, सरकार दोषी, सांसद दोषी, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं। विरोधी को तो बात उठानी चाहिए थी। विरोधी तो बात उठा रहा है, आपके सामने तो रख रहा है, जोर रखा जाए। हम अपनी तो बात आपके माध्यम से रखेंगे ना, और आपको दिखाना नहीं दिखाना आपकी मर्जी पर है। जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं कि पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मेरा माइक काट दिया जाता है, मीडिया के सामने जाता तो चलता नहीं है, छपता नहीं है, तब हमको जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। जलेश्वर दा एक बहुत अच्छा विकल्प बाघमारा के लिए है क्या? देखिए ये तो जनता का अदालत का मामला है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। अदालत का निर्णय दादा कितना देर है? अदालत का निर्णय पर हम पूरा आशावाद हैं, निर्णय पक्ष में होगा। अच्छा, एक अभी विवाद उठा ब्राह्मणों को लेकर जो कहा जा रहा है, मुझे लग रहा कि स्पष्टीकरण आपने दे दिया इस पर, लेकिन फिर भी मैं दबे लहजे से इस बात को रखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया और अपने प्लेटफॉर्म पर यह बात चल रहा, क्या कहेंगे दादा इसको? नहीं, उसमें 100 बात का एक बात है कि अगर मेरे किसी बात से ब्राह्मणों को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, और ब्राह्मण के सामने सदैव झुक के रहा हूं, मैं उनकी सदैव आदर किया हूं, सम्मान दिया हूं उनको, और वो ब्राह्मण सर्वोपरि हैं,
इस बात को सदैव हमारा पूर्वज भी माना है, हम भी मानते हैं। हमारा बाघमारा कैसा हो? बाघमारा में गुंडाराज चल रहा है। समर्थक तो आपके भी कहे जाते हैं कि कोई प्रमाण कर दे। अगले भी मेरा नाम का जहाँ उपयोग है कोई प्रमाण कर दे कहीं। अखबार का हर बंदा में तो यही छपता है। क्या छप रहा है? दुलू और जलेसर के समर्थक भिड़े। नहीं नहीं, भीड़े तो हम अत्याचार के खिलाफ में हमारे समर्थक हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मजदूरों का मजदूरी वो 3,000 रुपया देते ट्रक लोड कराकर। जनता तो फंस जा रहा है, जनता पर तो केस हो ही जा रहा है ना। तो सुन तो लीजिए, जो जनता की बातें सुनना पड़ेगा, जनता के बीच में परोसना पड़ेगा। जब उनकी चल रही थी यहाँ तूती, तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपया लोडिंग देते थे। आज भी तो उनकी तूती आपके मुताबिक लग रहा है, चल रहा है। तो मैंने इसमें मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने का काम किया है। आज मजदूरों को 10,000 रुपया मिल रहा है, पिकिंग ब्रोकिंग के मजदूरों को बढ़ा है 8,500 रुपया मिल रहा है। ये जानने का चीज़ है, मजदूर हित में हम लड़ रहे हैं, हमारा आदमी लड़ रहा है, ईमानदारी से लड़ रहा है। आप इंटरव्यू लीजिए मजदूरों का। और अभी अभी जो आपका जो है 22/12 का मामला आकर खड़ा हुआ है, 22/12 में 3 साल तक वो चलाए हैं, 3 रुपया मजदूरों को नहीं दिए हैं। जब पहले इसके पहले मेरे नेतृत्व में चल रहा था, सबको पैसा मिल रहा था। अभी फिर जब हम लोगों का शुरू हुआ, अभी वहाँ मजदूर जब हमारा साथ आ गया, सबको पैसा मिल रहा है। और आज मजदूर मांग कर रहे हैं कि 3 साल तक ढुलू ने वहाँ चलाने का काम किया है और करोड़ों रुपया ढुलू के पास मजदूरों का है, वो पैसा कब भुगतान करेंगे, मजदूर मांग कर रहा है। आज वर्तमान में जो भी राजनीति वो जाति समीकरण पर आधारित लगता है क्या कहीं? नहीं, कर्म तो है ही, जाति समीकरण से ऊपर में मनुष्य का करेक्टर, कर्म, ये तो फैक्टर है। जलेश्वरदा के समय में पानी मिला, रोड मिला, PCC मिला। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि किन बड़ी योजनाओं को लेकर आने वाले समय में जनता को आश्वस्त करेंगे? देखिए, हम तो जनता के, हम अपने आप को कभी विधायक अपने आप को ट्रीट नहीं किए थे। जब तक हमको सेवा करने का मौका दिया, हम जनता की सेवा किए हैं। और जो भी संसाधन आया वो जनता के हित में लगा है। आज के दिन में जो पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है, और जनता ठगी महसूस कर रही है आज। और इसलिए ये उलूल जुलूल बयानबाजी को तोड़ मड़ोड़ के मेरा पेश करके हमको बदनाम करने का साजिश हो रहा है। कहते हैं कुछ लोग अपनी आर और पार की बात रखते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। ऐसे जाति को चिन्हित करके अगर लगता है कि इनके तरफ से किसी प्रकार का ठेस पहुंचा हो, इन्होंने अपने स्तर पर इस बात को खेद रखा है, मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। और बाघमारा जहां एक तरफा अपना मिजाज रखा हुआ है, यहां विकास की बयार बयान।